देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में किसी अन्य राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा शहरों में विश्व स्तरीय मेट्रो सेवा का विस्तार हो रहा है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने लखनऊ में 23 किलोमीटर लंबे मेट्रो रेल कॉरिडोर का निर्माण रिकॉर्ड समय में पूरा करने का कीर्तिमान स्थापित किया। प्रदेश के दो अन्य महत्वपूर्ण शहरों कानपुर एवं आगरा में भी मेट्रो रेल का निर्माण अत्यंत तेज गति से चल रहा है। बीते 5 सालों में लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 83 किलोमीटर मेट्रो का संचालन आरंभ हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर गोरखपुर को भी मेट्रो के मानचित्र में दर्शाने की तैयारी है। राप्ती नदी के किनारे बसा ये शहर नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ के नाम से विख्यात है, जो कि व्यापार और शिक्षा का बड़ा केंद्र है। अत्यंत तीव्र गति से विकसित होते गोरखपुर शहर की परिवहन जरूरतों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने शहर में विश्व स्तरीय मेट्रो लाइट रेल की परिकल्पना की है। परियोजना की डीपीआर को राज्य सरकार अक्टूबर 2020 में मंजूर कर चुकी है और अब ये केंद्र सरकार के अनुमोदन के विचाराधीन है। गोरखपुर में 28 किलोमीटर लंबे और पूर्णतया एलिवेटेड 2 कॉरिडोर का प्रस्ताव है, जिसकी अनुमानित लागत करीब 4,672 करोड़ रुपए है। प्रस्तावित मेट्रो लाइट लो फ्लोर ट्रेन होंगी, जिसमें 3 कोच होंगे और लगभग एक ट्रेन में 400 यात्री सफर कर सकेंगे। मेट्रो लाइट ट्रेन की अधिकतम स्पीड करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। गोरखपुर मेट्रो लाइट परियोजना को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह शहर के सभी प्रमुख स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, एम्स, शैक्षिक संस्थानों, पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय और मार्केट एरिया को जोड़ेगी। गोरखपुर एयरपोर्ट भी पहले कॉरिडोर के नजदीक ही है। पहला कॉरिडोर श्याम नगर से मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज के बीच बनेगा, जिसकी कुल लंबाई 15.14 किलोमीटर प्रस्तावित है, जिसमें कुल 14 स्टेशन होंगे। पूरी तरह एलिवेटेड इस कॉरिडोर में श्याम नगर, शास्त्री नगर, गोरखनाथ मंदिर, धर्मशाला, गोरखपुर रेलवे स्टेशन, यूनिवर्सिटी, रामगढ़ लेक, एम्स, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज प्रमुख स्टेशन होंगे। श्याम नगर मेट्रो स्टेशन के पास ही मेट्रो का प्रमुख डेपो होगा, जहां से मेट्रो का संचालन और रखरखाव होगा। दूसरा कॉरिडोर बीआरडी मेडिकल कॉलेज और नौसड़ को आपस में जोड़ेगा। 12.70 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर भी पूरी तरह से एलिवेटेड होगा। कॉरिडोर में कुल 12 स्टेशन हैं, जिसके प्रमुख स्टेशन बीआरडी मेडिकल कॉलेज, खजांची बाजार, अशोकनगर, धर्मशाला, गोलघर, कचहरी चौराहा, ट्रांसपोर्ट नगर और नौसड़ हैं। धर्मशाला मेट्रो स्टेशन दोनों कॉरिडोर का इंटरचेंज स्टेशन होगा। मेट्रो लाइट परियोजना को निर्माण कार्य के शुरू होने के 4 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है। गोरखपुर में मेट्रो लाइट के निर्माण से शहरवासियों को तेज, सुविधाजनक, प्रदूषण मुक्त और सुगम यातायात का लाभ मिल सकेगा। मेट्रो लाइट रेल परियोजना के साथ अब उत्तर प्रदेश का गोरखपुर भी होगा विकास के पथ पर अग्रसर।